हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई रियली होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इससे पहले वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, तो आज 2 दिन के बाद फिर से मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपनी सुबह की चाय। तो दिन की जो शुरुआत होती है वो सुबह की चाय से होती है, तो एकदम माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और काम करने में भी मन लगता है। तो यहाँ सबसे पहले बहुत दिन का 15 से 20 दिन का जो मलाई है वो जमा होकर रख रखा था, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इसको निकालती हूँ, तो आज फाइनली इसका डे आ गया है। तो यहाँ पर मैं 15-20 दिन की मलाई से बनाने जा रही हूँ घी। तो सबसे पहले मलाई को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और उसके बाद इसको एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं जो मथनी होती है जो जिससे हम इसको घुमाएंगे, तो आज मैं हाथ से ही निकालूंगी, मैं मिक्सी विक्सी यहाँ पे गंदा नहीं करूँगी। तो मथनी से मैंने इसके जितने भी जो बॉल थे वो उसको फोड़ के अच्छे से इसको मैश कर लिया है और एक बार ही घुमा दिया है। अब मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया है 15 मिनट के लिए। तो तब तक मैं प्रिपेयर कर रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ मोमोज, जो कि एग मोमोज है और मेरे प्रत्युष का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं इतनी सुबह मोमोज यहाँ पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल रात को भी हम लोगों ने मोमोज खाए थे, तो थोड़े बहुत जो बच गए थे तो मैंने सोचा कि जो बैटर और जो मैदा गुना हुआ रखा था तो मैं उसी को यूज़ करती हूँ और आज मॉर्निंग में भी वही बना देती हूँ। किसी के घर में चोरी कर लिया रे? हाँ। मतलब वो चोर है। सुबह सुबह अच्छी अच्छी बातें करो विराज, गंदी बात होती है। ठीक है ठीक है, जाओ मम्मी को काम करने दो। तो फ्रेंड्स, कल रात को मैंने मोमोज बनाए थे, तो इतने मोमोज तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बचे हुए थे और इतने मैंने अभी नए बनाए हैं, तो इतना दोनों बच्चों के लिए काफ़ी होगा। तो अब इसको लगा देते हैं ढक्कन और इसको रखते हैं स्टीम करने के लिए। तो मैं यहाँ पे गैस जला रही हूँ और मैंने यहाँ पर जुगाड़ लगाया है क्योंकि अभी वो बर्तन में मैंने कुछ और रखने के लिए रखा हुआ है, तो मैंने सोचा है। और बहुत टाइम से ना टाइल्स वगैरह साफ़ नहीं करी, कितना गंदा हो रहा है देख सकते हैं, करूँगी इसको भी टाइम निकाल के। तो गाइज, यहाँ पे मोमोज बन के रेडी है और मैं दोनों बच्चों को जल्दी जल्दी से दे देती हूँ ताकि वो लोग एकदम खा पी के शांति से बैठे और मुझे बिल्कुल काम करने में परेशान ना करे, क्योंकि इस टाइम मेरे घर में बहुत सारा काम फैला हुआ है। तो मेरा मैं सोचती हूँ कि एकदम एक एक सामान जो है अपनी अपनी जगह पर रखूँ ताकि मुझे बाद में उसको याद करने में आसानी रहे। तो अभी फ़िलहाल मैं दे रही हूँ यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट को मोमोज़ को सर्व करने वाली हूँ जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस होता है उसके साथ, क्योंकि विराज को इसी के साथ खाना पसंद है तो मैं वही उसी के साथ इनको दूंगी बच्चों को। और ये एग मोमोज़ हैं। एग मोमोज़ की रेसिपी मैंने अपने पहले भी अपने चैनल पे डाला हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे आज रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है। वैसे मैं आई बटन में यहाँ पे लगा दूंगी, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं जिनको एग मोमोज़ की रेसिपी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, दोनों बच्चों को देते हैं मोमोज़ और देखते हैं उनका एक्सप्रेशन कि उनको मोमोज़ देख के कैसा फील हो रहा है। ये देखो दोनों को, क्या कर रहे हो? स्कूल तो है नहीं, एक को इतनी गर्मी लगी कि उसके पास कपड़े ही नहीं है। तो यहाँ दोनों बच्चे मोमोज खाने के लिए एकदम रेडी है और मैंने इनको बेड में ही सर्व कर दिया क्योंकि डाइनिंग टेबल पे मेरा बहुत सारा पसारा फैला हुआ है काम का, तो मैंने बोला आप लोग यहीं पे बेड पे बैठ के खाइए। तो अभी जो नए वाले थे वो बन रहे हैं तो मैं इसलिए इनको बाद में सर्व करूंगी। लो चाइनीज, आपको क्या हुआ? ठंडा करो, अभी आ रही हूँ, 2 मिनट में करती हूँ। सो फ्रेंड्स, दोनों बच्चों को मोमोज देने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पैकिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये वाला जो कार्टन है इसमें मैंने बेडशीट, कर्टेंस और ऐसे जितने भी फर्निशिंग वाले आइटम होते हैं जैसे कि मेज कवर, ये सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं साइड बाय साइड लिख भी रही थी डायरी में क्योंकि मैं फिर भूल ना जाऊँ
और बाकी का सामान जो है ये फ्रेम वगैरह ये पोस्टर्स वगैरह ये अभी निकालने हैं, तो मैं घर जाने से पहले इनको पक्का निकाल लूँगी। और यहाँ कोने में मैंने जो है कोने में मैंने वो रखा हुआ है किचन के आइटम्स जो मुझे अभी अनवांटेड चीज़ जितने भी जो मुझे किचन में अभी नहीं लगने वाले हैं वो, और बाकी अभी भी पड़ा हुआ है सामान काफ़ी। पर्दे मैंने निकाल के धो दिए, तो रात को मैं यहाँ पे बेडशीट टांग देती हूँ ताकि सामने घर से अंदर की तरफ कुछ दिखे ना। तो अभी जो ये नेट वाले कर्टेंस थे जो पर्दे थे जो मैंने वो सुबह धोने के लिए डाले थे, तो अभी मैं इनको अंदर ही फैलाऊँगी, और क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो ये अच्छे से सूख जाएंगे अंदर ही, इनको बाहर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और बाहर काफ़ी हवा चल रही रहती है तो धूल वूल से ये और ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। तो वही है, बीच बीच में मैं बच्चों को भी देख रही हूँ कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, वही सब कुछ है। और अभी इस टाइम मेरे घर की जो हालत है वो कुछ ऐसी है, आप लोग देख सकते हैं, तो दिखाने लायक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बस मैं नीचे नीचे झाड़ू पोछा अच्छे से कर लेती हूँ और जो सामान है वो ऐसे ही लिविंग रूम ऐसे ही फैला रहता है। तो इनके मोमोज़ भी यहाँ पर बन गए थे, तो अब मैं इनको फिर से सर्व करने के लिए पहुँच चुकी हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 15 मिनट 20 मिनट को इसको मलाई को रेस्ट देने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली मक्खन जो है वो अपना मट्ठा उसने सेपरेट कर लिया है, वो अलग से आ गया है ऊपर। तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डाला, मैंने फ्रिज से इसको निकाला, एक बार घुमाया और 15 मिनट रेस्ट करने के बाद मैंने इसको फिर से घुमाया, तो ये बहुत ही जल्दी बन गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मक्खन जो है कितने अच्छे से सेपरेट हो रहा है, मट्ठे से अलग हो गया है बिल्कुल। सो हेलो गाइस, अभी दिन का टाइम है और मैं जो है दिन का खाना बना रही हूँ, जैसे कि सुबह के सारे काम करने के बाद फिर मैंने नहाया जो है फ्रेश हुआ एंड अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, तो लंच प्रिपेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो लंच में आज मैंने क्या बनाया वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। लंच में यहाँ पर बन रहा है चिकन और ये राइस बन रहा है, तो चिकन और राइस बनाऊंगी मैं क्योंकि कल का दाल भी रखा हुआ है तो वही खाएंगे हम लोग। और अभी इसको गार्निश करते हैं धनिया से, और जो लोग चिकन नहीं खाते प्लीज़ स्किप करके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और मेरा दिन का लंच भी जो है बन के रेडी है, तो आज मेरा बहुत सारा काम था। तो अभी जो मैंने मलाई से जो मक्खन निकाला है उसका मैंने घी नहीं बनाया है, वो मैं शाम को बनाऊंगी। और अभी यहाँ पे टाइम हो चुका है लंच करने का, हस्बैंड भी मेरे ऑफिस से आ चुके हैं और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे सबकी प्लेट। तो डाइनिंग में बैठ के आजकल हम लोग खाना नहीं खाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम लोग बेडरूम में जहाँ पे एसी लगा हुआ है वहीं पे बैठ के खाना खाते हैं। और तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आज मैंने लंच में बनाया है चिकन राइस दाल और मेरी कल की कद्दू की सब्जी भी रखी थी, तो उसको भी क्यों फेंकना है, वो भी हम खाएंगे। तो सबकी प्लेट यहाँ पे लगा रही हूँ मैं बारी बारी से। तो फ्रेंड्स सबकी प्लेटिंग लगाने के बाद हम लोगों ने खूब अच्छे से खाना खाया और खाना खा के फिर मैंने बहुत अच्छा सा रेस्ट लिया। मतलब मैंने दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कुछ काम वाम होता नहीं है, तो मैं आराम से मैंने रेस्ट किया। अब जितने भी काम है वो मैं शाम को उठ के करूँगी क्योंकि मुझे घी भी निकालना है और भी बहुत सारे काम हैं घर के, सो वो मैं करूँगी। तो भैया ये मैं उठ चुकी हूँ शाम को और मेरा यहाँ पे बर्तन धोने का काम शुरू हो गया क्योंकि मैं खाना खा के ऐसे सो गई थी, सब कुछ ढक ढुक के ऐसे रख दिया था और उठ के मैंने यहाँ पे बर्तन धोना स्टार्ट किया है। तो शाम का टाइम है ये और बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं, थोड़े दिन के बाद फिर हम लोग घर चले जाएंगे और फिर वहाँ आप लोगों को देहरादून से मेरा वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस काम करते करते यहाँ पे बीच में बच्चों की डिमांड आ गई थी कि उनको स्नैक्स खाना है, तो जब मैं पार्क में उनको खेलने ले जाती हूँ उससे पहले मैं उनको स्नैक्स खिला के भेज के जाती मतलब भेजती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मक्केन्स के जो आलू टिक्की होते हैं उनको फ्राई करके ब्रेड में लगा के सैंडविच के जैसा कुछ, तो यहाँ पर चीज़ स्प्रेड वगैरह मैंने सब कुछ लगा दिया, तो उन दोनों के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी यहाँ पर क्योंकि इसके बाद दोनों बच्चे जाएंगे खेलने के लिए। तो प्रत्युष को मैंने यहाँ पे बुलाया है कि आप अपना ले जाओ आकर, बट फिराज को तो बिस्तर से उतरेगा नहीं, वो बिल्कुल राजा बेटा है वो, और उसको गुस्सा भी कुछ ज़्यादा ही आता है, तो क्यूट है मेरा विराज बहुत ज़्यादा। वैसे मेरे दोनों बच्चे बहुत ही क्यूट है पर विराज अभी छोटा है ना तो इसका ज़्यादा प्यार लगता है। सो हेलो गाइज, एंड अभी मेरा जो है काम पूरा हो गया है, मतलब मैंने बर्तन वर्तन पूरे धो के एकदम सेट कर लिया। तो मैंने यहाँ पे निकाला है मक्खन जो मैंने दिन में निकाला था, दिन में बनाया था मॉर्निंग के टाइम में, तो अब मैं इसका जो है घी बनाऊंगी। और यहाँ मेरी बन रही है चाय, सो है किचन सब सेट है। और अभी दिन में मैंने इसमें प्रतिष्ठ के लिए सैंडविच के लिए कुछ बनाया था वो है बर्तन,
और इस कुकर में राइस रखा है, तो अभी खाएंगे तो रात का बर्तन मैं अभी रात को करूँगी वो है। चिकन भी है बचा हुआ, तो खाना उतना बनाने का टेंशन अभी मेरे को नहीं है, सिर्फ रोटी बनाना है। अभी फ़िलहाल मैं बनाती हूँ घी, और फिर देखते हैं घी कितना निकलता है आज। सो गाइज, मॉर्निंग से अभी तक बात करने का टाइम भी नहीं मिला है, और मैं कैमरे के सामने उतना आई भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम ही आज बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कैमरा सेट कर दिया था और फिर मैं अपना काम जो है वो कर रही थी। सो वही है, एंड जस्ट अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, और बीच में मैं कहीं चली गई थी किसी काम से, मैं किचन के बर्तन धोते धोते बीच में मेरे को जाना पड़ा अर्जेंटली, फिर मैं आई हूँ। तो अभी मैंने मक्खन निकालने के लिए रखा हुआ है, वो है तो मलाई से जो मक्खन बनाते हैं, वैसे मैं हमेशा ही मलाई से मक्खन निकालती हूँ, उसके बाद फिर घी बनाती हूँ। तो विंटर सीजन में मुझे ये काम ना बहुत ईजी लगता है, मेरे से ईजीली हो जाता है, बट गर्मी के दिनों में क्या होता है कि मक्खन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज एक ट्रिक मैंने मतलब बहुत अच्छा सीखा, उससे क्या हुआ कि मलाई जो आपने जो फ्रिज में रखी हुई होती है उसको निकाल के आप पहले थोड़ी देर रहने दीजिए ऐसे, ठीक है, उसके बाद या फिर एक बार नहीं, पहले उसको निकाल के एक बार उसको चला लीजिए, जो मथने वाला होता है ना ऐसे मथनी, उससे अच्छे से एक बार ही चला लीजिए, उसके बाद रेस्ट करने के लिए उसको छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद आपको फिर से आना है, और उसको फिर से जब घुमाएंगे आप तो देखना इजीली सारे मक्खन जो है वो ऊपर तैरने लगेंगे, और जो मट्ठा जो बनता है वो नीचे छूटने लगेगा, पानी छूटने लगेगा और मक्खन ऊपर आता रहेगा। तो इस बारे मैंने टैक्टिस जो है मैंने अच्छे से ध्यान करके मैं देख रही थी कि कब कब क्या क्या प्रोसेस होता है, अदरवाइज मैं हर टाइम क्या करती हूँ निकाल लेती हूँ पर मैं याद नहीं रख पाती हूँ। तो इस बार मैंने याद रखा और फिर वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो काफ़ी ईजी हो गया था मेरे लिए ये करना, नहीं तो फिर मुझे वही मिक्सी का जार फिर ख़राब करो, यूज़ करो उसको, फिर धो, अच्छा पूरा और काम भी बढ़ जाता है, मैस फैल जाता है खूब सारा। तो ये आज का जो रूटीन है वो घर से आप लोगों ने देखा होगा, तो बहुत टाइम से आप लोगों ने घर भी नहीं देखा, अभी तो घर दिखाने लायक कभी नहीं है क्योंकि सब कुछ पैक हो चुका है, मतलब सब कुछ तो नहीं चल रहा है पैकिंग का सिनेरियो, अभी किचन ऑलमोस्ट है, अभी अभी भी बहुत सारे बर्तन हैं, आप लोगों को पता है किचन में तो बहुत सारे बर्तन रहते हैं, तो थोड़े बहुत किचन में ऐसे ही रहने दूंगी, जब मैं घर से आऊँगी तब फिर मैं इनको भी पैक करूँगी, तो अभी तो ये ऐसे रहेंगे। बाकी जो अनवांटेड चीज़ें थी जो अभी मेरी यूज़ में नहीं थी वो मैंने फटाफट रख दिया है, और मोमो का बर्तन है वो भी मैं सोच रही हूँ कि उसको भी पैक कर दूँ, क्योंकि कल हमने मोमो बना के खा लिया और मॉर्निंग में भी मैंने बच्चों को दे दिया था, सो वो सब है। तो चलिए अभी बनाते हैं मक्खन, और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो चाय तो यहाँ पे बन गई है, चाय को हटा देती हूँ मैं, इट्स टू हॉट। नॉनस्टिक का पैन यूज करूंगी क्योंकि इससे जो है घी सेपरेट हो जाएगा, और वो जो इसके जो अलग से वो जो निकलता है ना वेस्ट, वो अलग से इसमें चिपकेगा नहीं बर्तन में, अगर ऐसे नॉर्मल कढ़ाई वगैरह लेंगे तो उसमें चिपकेगा और उसको बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो अभी ये है, इसका टेम्परेचर मैंने 300 में करा हुआ है वो है, तो अभी मैं फटाफट इसको इसमें डाल देती हूँ। तो गाइज़ अभी यहाँ पे टेम्परेचर मैंने 1400 में कर दिया, क्योंकि 300 में जो बर्तन था वो गर्म ही नहीं हुआ था, तो वो कर दिया। जब ये पूरे अच्छे तरीके से ये जो मक्खन वाला जो बॉल है ये मेल्ट हो जाएगा, तब मैं इसका जो टेम्परेचर है वो मैं तब कम कर दूँगी। अभी तो ये 1400 में चल रहा है, तो इसको अभी फटाफट मुझे मेल्ट करवाना है, तो देखते हैं इतने से मक्खन से कितना ही घी निकलेगा वो अभी देखेंगे हम लोग। सो गाइज़, आप लोग और बताइए, आप लोग मेरे ब्लॉग में और क्या क्या देखना चाहते हैं। आई नो मेरा जो ब्लॉग है वो घर के बाहर वाला ज़्यादा रहता है, तो अभी मैंने आज मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गया था घर के अंदर मैंने शूट नहीं करा था, तो इसलिए मैंने आज घर के अंदर शूट करा वीडियो। एंड इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड करा है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ वो भी जाके देखिए, और जिन जिन्होंने देखा उनको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मेरे उस वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मतलब व्यूज़ आ रहे हैं बाकी इन कंपैरिजन ऑफ अदर वीडियो में, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को इस टाइप का कॉन्टेंट जो है पसंद आ रहा होगा। सो वही है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, और तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर 2 दिन में मैं व्लॉग डालती हूँ आप लोग के लिए, और पिछले वाला जो व्लॉग डाला मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और अच्छे व्यू हैं उसमें, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इससे और कुछ नहीं, मैं मोटिवेट होती हूँ क्योंकि मैं अपना इतना सारा टाइम देती हूँ, हालांकि मैं घर के ही वीडियो शूट करती हूँ, बट कैमरा को सेट करना, फिर वीडियो एडिट करना, फिर उसमें वॉइस ओवर डालना, फिर
मतलब बहुत सारा काम रहता है, और मेनली तो जब हर जगह जब हम कोई काम करते हैं तो कैमरा सेट करना रहता है, तो वो बहुत ही रहता है, उस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, कोई कोई कंटेंट छूट ना जाए, वही सब चीज़ है। और मैं भी उतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग जब मेरे वीडियोस देखते हैं, और प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कहाँ कहाँ से आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को और क्या क्या देखना पसंद है, और मेनली तो आप कहाँ से देख रहे हैं वो पक्का बताइएगा, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करेंगे। तो अभी फिलहाल उसको कंटिन्यूसली चलाते रहना होगा, अदरवाइज वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो वही है, ये करती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, स्टेज पे ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से पूरा मेल्ट हो गया है, और ये जो जितना भी है ना, ये अभी अच्छे से ये लगने लगा है नीचे, तो इसको कंटिन्यूसली जो है चलाते रहना है। तब मैंने इसका टेम्परेचर भी अभी 300 में कर दिया, तो 300 ज़्यादा कम हो जाएगा, मैं इसको 600 में चलाती हूँ, वही करूँगी ताकि जल्दी मेरा काम हो जाए, क्योंकि मुझे अभी डिनर का भी प्रिपरेशन करना है, रोटी बनानी है। सो गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं घी जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है, और इसका जो वेस्ट है वो अलग हो गया है, तो अभी मेरा घी लगभग बनने ही वाला है। तो फाइनली यहाँ पे मेरा घी बन के रेडी है, मैंने जो इंडक्शन है उसको ऑफ़ कर दिया है, और अब मैं इसको अच्छे से छान के इसको एक साफ़ सुथरे जार में शिफ्ट कर दूँगी और इसको रख दूँगी, और अब ये यूज़ हो जाएगा खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं 15 और 20 दिन की मलाई से मेरे कितना घी निकला है यहाँ पर, आधा किलो मतलब 500 ग्राम तो नहीं है, बट मुझे उससे लग रहा है उसे थोड़ा सा ही कम होगा, इतना ज़्यादा भी कम नहीं है, तो ठीक है इतना। और बच्चों को अगर हम घर का बनाया हुआ घी देंगे तो वो उनके हेल्थ के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो मैं बाहर से घी नहीं खरीदती हूँ, बल्कि मैंने दूध ज़्यादा लगाया हुआ है, ताकि मैं मलाई निकालूँ और फिर खुद से घर में घी बना के बच्चों को दूँ। सो आई होप गाइज, आज का ये वाला व्लॉग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई नो आप सभी लोगों को आता है कि मलाई से घी कैसे निकालते हैं, बट कुछ ट्रिक्स जो मैंने यहाँ पे बताई हैं, आइंदा से अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो समर्स में भी आप इजीली घी निकाल सकते हैं। तो गाइज, घी निकालने के बाद मैं यहाँ पे करूँगी अपने डिनर की प्रिपरेशन, और अगर मैं वो भी शूट करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो डिनर में मुझे कुछ नहीं, सिर्फ रोटी बनानी है। तो देख सकते हैं मेरी घी इतनी निकली हुई है, सो मिलते हैं चलिए थोड़ी देर के बाद। सो गाइज, तो हम लोग अभी खाना वाना खा के बेड में आ गए हैं, और सोने का टाइम है, अभी मॉस्किटो नेट भी लगाना है, क्योंकि इतने ज़्यादा मच्छर हैं यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा हैं, तो मॉस्किटो वो होता है ना, ऑल आउट क्या बोलते हैं, वो लगाते हैं तो उससे भी नहीं भागता है मच्छर, तो मॉस्किटो नेट लगाना ही पड़ता है। सो वो है, क्या देख रहे हो विराज? विराज मेरे को देख रहे हैं। तो मैंने सोचा ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए, और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करना। सो गाइज, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।